नमस्कार, मेरा नाम है अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप शो। आज की बड़ी खबरों में क्या है? प्रधानमंत्री मोदी आज बनारस पहुंचे, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण सौंदर्यीकरण योजना की नींव रखने। इसी प्रोजेक्ट को आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नाम से जानते हैं। 600 करोड़ का यह प्रोजेक्ट जब पूरा होगा तब गंगा के ललिता और मणिकर्णिका घाट से काशी विश्वनाथ जाने के लिए 50 फीट चौड़ा सीधा रास्ता मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट के चलते टूटे कई मंदिरों और घरों के चलते कई लोग नाराजगी जता चुके हैं। मोदी आज पहली बार मंदिरों घरों के टूटने पर बोले, क्या बोले सुनिए। जब इतने सारी इमारतों को तोड़ना शुरू किया तो पता नहीं था कि 40 से ज्यादा इतने मूल्यवान मंदिरों को लोगों ने अपने घरों में एंक्रोचमेंट करके दबा दबा करके किसी ने उसमें किचन बना दिया था, पता नहीं क्या क्या कर दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि भोले बाबा ने हमारे भीतर एक चेतना जगाई और ये सपना सज गया। और उसके कारण सिर्फ भोले बाबा नहीं, 40 के करीब ज्यादा ऐसे ऐतिहासिक पुरातत्वीय मंदिर अंदर से मिले। तो अब ये लगभग तय हो गया है कि हार्दिक पटेल कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। खबर है कि 12 मार्च को अहमदाबाद में कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी मीटिंग होगी उसी में हार्दिक को पार्टी में शामिल किया जाएगा। और कांग्रेसी हार्दिक पटेल क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे संभवतः जामनगर से। राजनीति का मामला है इसलिए जोड़ रहे हैं कि ये प्रत्याशित घटनाएं हैं, घट जाए तब सच मानिएगा। वैसे प्रत्याशित ये भी है कि पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की लगभग पूरी कोर टीम जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो जाएगी। तीसरी बड़ी खबर आई बीकानेर से। यहां शोभा सर की ढाणी के पास वायुसेना का एक MiG-21 क्रैश हो गया। शुरुआती खबरों में यह कहा गया कि प्लेन से कोई पक्षी टकराया था। ज्यादा जानकारी सामने आएगी जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी। राहत की बात यह है कि जेट क्रैश से पहले पायलट ने सकुशल इजेक्ट कर लिया था। अब चलते हैं द लल्लन टॉप शो की बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने आज अयोध्या केस में मध्यस्थता की इजाजत दे दी। 6 तारीख के अपने बुलेटिन में हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर सुनवाई चल रही है कि सभी पक्ष अदालत से बाहर आपस में समझौता कर ले। ऐसा सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 89 के तहत किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों का एक पैनल बनाया है। इनमें मुख्यतः निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड से बात करनी है और समझौते की कोशिश करनी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को बताना है कि क्या नतीजा निकला। कौन कौन है इस पैनल में? सुप्रीम कोर्ट के बनाए मध्यस्थता पैनल के हेड होंगे सुप्रीम कोर्ट जज रहे जस्टिस FM कलीफुल्ला, आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पांचू। बारी बारी से इनके बारे में जानते हैं। FM कलीफुल्ला, जस्टिस इब्राहिम कलीफुल्ला जजों की बिरादरी में काफी जाना माना नाम है। मूल रूप से तमिलनाडु के शिवगंगा जिले से आते हैं। उनके पिता भी जज थे, नाम जस्टिस M फकीर मोहम्मद। हाई जुडिशरी में जस्टिस कलीफुल्ला का सफर शुरू हुआ मद्रास हाई कोर्ट में। साल 2000 से 2011 में वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और अगले साल सुप्रीम कोर्ट आ गए। 2016 में रिटायर होने से पहले उनके कई फैसले चर्चा का मुद्दा बन चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यूनिवर्सिटीज में वैदिक ज्योतिष पर शोध के मामले में फैसला दिया था। जस्टिस कलीफुल्ला सबसे ज्यादा जाने जाते हैं BCCI में सुधार से जुड़े सुप्रीम कोर्ट केस के चलते। इस मामले की सुनवाई तत्कालीन चीफ जस्टिस TS ठाकुर की बेंच ने की थी, जिसका हिस्सा कलीफुल्ला भी थे। इसी बेंच ने BCCI को पारदर्शी बनाने के लिए जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिश पर फैसला दिया था। इस फैसले के बाद BJP नेता अनुराग ठाकुर को BCCI अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था। उनके साथ ही कई लोगों को BCCI से हटना भी पड़ा था। दूसरा नाम श्री श्री रविशंकर। पैनल का दूसरा नाम भी तमिलनाडु से ही है। पाप नासम के श्री श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग के हेड और आध्यात्मिक धर्मगुरु। श्री श्री अयोध्या मामले में अदालत से बाहर समझौते के पक्ष धर रहे हैं, लेकिन श्री श्री का नाम सामने आते ही विरोध भी शुरू हो गया। श्री श्री कह चुके हैं कि अयोध्या विवाद का हल ये है कि विवादित जमीन पर हिंदू और मुसलमान मिलकर एक भव्य मंदिर बनाएं। बदले में हिंदू पास की 5 एकड़ जमीन दान करें जहां एक मस्जिद बने। एक बार वो ये भी कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में चाहे जो फैसला दे, जो केस हारेगा वो कट्टरपंथ की तरफ मुड़ जाएगा और मुल्क के हालात सीरिया या मध्य पूर्व जैसे हो जाएंगे, माने गृह युद्ध जैसे। व्हाटएवर सुप्रीम कोर्ट सेज, वन कम्युनिटी विल सेलिब्रेट द विक्ट्री एंड यू विल सी द अदर कम्युनिटी विल बी टेरिबली हर्ट। देयर विल बी सिविल वॉर टाइप ऑफ सिचुएशन इन द कंट्री
आई टेल यू। श्री श्री का विरोध निर्मोही अखाड़ा और हिंदू महासभा ने भी किया है। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान दिया है कि श्री श्री निष्पक्ष नहीं है। तीसरा नाम श्रीराम पंचू। पैनल का तीसरा नाम भी तमिलनाडु से ही है, वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू का। वकालत और मध्यस्थता की दुनिया में श्रीराम पंचू एक बड़ा नाम है। पूरे देश दुनिया के कई बड़े केसेस में मध्यस्थता कर चुके हैं। इसमें प्रॉपर्टी, दिवालियापन, फैमिली बिजनेस विवाद, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विवाद शामिल हैं। असम और नागालैंड के बीच बॉर्डर विवाद था। इस मामले में मध्यस्थता की जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट ने पंचू को दी थी। पंचू मीडिएटर्स इंडिया के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पैनल्स के सदस्य भी हैं। तो सवाल यह है, कैसे काम करेगा पैनल? पैनल को मामले पर एक सप्ताह में कार्रवाई शुरू करनी होगी। 4 हफ्ते के भीतर पैनल को डेवलपमेंट रिपोर्ट देनी होगी और 8 हफ्ते के अंदर फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप देनी होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को आदेश दिया कि विवादित 2.77 एकड़ जमीन को निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, उत्तर प्रदेश और रामलला विराजमान के बीच बांट दिया था। हाईकोर्ट ने भी मध्यस्थता का मौका दिया था, लेकिन तब बात नहीं बनी थी। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और जो 5 जज इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं उनमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल्ला नजीर हैं। मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी पैनल के काम की। निर्मोही अखाड़ा को मध्यस्थता से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रामलला विराजमान किसी भी तरह की मध्यस्थता के लिए राजी नहीं था। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मध्यस्थता को लेकर अपनी चिंताएं कोर्ट के सामने रखी थी और कहा था कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाए। वक्फ बोर्ड ने कहा था कि अगर मध्यस्थता पैनल बनता है तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक ना हो और मीडिया में भी उसकी कोई रिपोर्टिंग ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें मान ली, मतलब कि अब मध्यस्थता पैनल की जब भी रिपोर्ट होगी वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगी, मीडिया में नहीं आएगी। और चलिए अब चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ, बड़ी खबर की तरफ, जिसमें सपा और कांग्रेस की लिस्ट आई है उसकी बात करते हैं। लोकसभा चुनाव सभी के सिर पर है, लेकिन जो टेंशन यूपी वालों को है उतनी कहीं नहीं है। सबसे ज्यादा एमपी देने वाले इस राज्य के लिस्ट का सबको इंतजार रहता है, जिससे पता चलता है कि कौन सी पार्टी का टिकट किसे मिला है। अब तक यूपी में पार्टियां सीटों की संख्या और नाम के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही थी, लेकिन अब लिस्ट आने लगी है। 7 मार्च को कांग्रेस ने अपनी पहली प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, जिसमें यूपी के 11 प्रत्याशियों के नाम थे। 8 मार्च को BSP-SP गठबंधन की पहली लिस्ट आई। पहले देखिए कांग्रेस की लिस्ट। रायबरेली सोनिया गांधी, अमेठी राहुल गांधी, फरुखाबाद सलमान खुर्शीद, सहारनपुर इमरान मसूद, बदायूं सलीम इकबाल, धौरहरा जितिन प्रसाद, कुशीनगर RPN सिंह, उन्नाव अन्नू टंडन, फैजाबाद निर्मल खत्री, जालौन रिजर्व सीट SC ब्रिजलाल खाबरी, अकबरपुर राजाराम पाल। अब SP-BSP की लिस्ट देखिए। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, इटावा सुरक्षित से कमलेश कठेरिया, बहराइच सुरक्षित से शब्बीर वाल्मीकि, रॉबर्ट्सगंज सुरक्षित से भाईलाल कौल। आपने गौर किया, एक बार दोनों लिस्ट को साथ साथ देखिए। इन दोनों लिस्ट में एक सीट कॉमन है, बदायूं। जब सपा बसपा ने गठबंधन का ऐलान किया तो उनकी तरफ से कहा गया था कि अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। इससे अंदाजा यह लगा कि कांग्रेस भले सपा बसपा के साथ ना आए, लेकिन कुछ खास सीटों पर, जहां SP और BSP के बड़े नेता जैसे मुलायम की सीट खड़े होते हैं, वहां प्रत्याशी ना उतारे। लेकिन कांग्रेस की पहली ही लिस्ट में बदायूं से इकबाल शेरवानी की टिकट का जिक्र था। यहीं से मुलायम परिवार से आने वाले धर्मेंद्र यादव सांसद हैं, टिकट भी उन्हीं को मिला है। माने बदायूं में सपा और कांग्रेस की टक्कर तय हो गई है, सपा से धर्मेंद्र यादव और कांग्रेस से सलीम इकबाल शेरवानी। इस लिस्ट को देखकर फिलहाल तो यही लगता है कि इस बार यूपी को ये दो लड़के साथ नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है और अभी चुनाव में वक्त है। एक बात और जो सभा की लिस्ट से साफ हुई है वो ये कि फिरोजाबाद में चाचा भतीजे का भिड़ना तय है। चाचा है शिवपाल यादव, जो फिरोजाबाद से लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। भतीजे हैं अक्षय यादव, अक्षय रामगोपाल यादव के बेटे हैं और 2014 में फिरोजाबाद से जीतकर पहली बार सांसद बने थे। पर अब की नैया पार लगाने के बीच में रूठे हुए चाचा आ गए हैं। खैर, इस लिस्ट में अभी ये साफ नहीं है कि खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और सबसे बड़ी बात कि डिंपल यादव चुनावी मैदान में फिर दिखेंगी या नहीं। कांग्रेस की लिस्ट में ध्यान देने वाली बात यह रही कि फिलहाल प्रियंका का नाम नहीं है। सोनिया और राहुल अपनी अपनी सीटों से लड़ रहे हैं, लेकिन प्रियंका के चुनाव लड़ने पर अभी उत्सुकता खत्म नहीं हुई है। और अब बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आसान भाषा में। शहीद, एक ऐसा शब्द जिसे लेकर हाल के दिनों में काफी चर्चा और बहस हुई। मांग उठी कि CRPF के लोगों को भी शहीद का दर्जा मिले।
तब सरकार ने बताया था कि शहीद की कोई परिभाषा सेना में इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन शहादत भावनात्मक मुद्दा भी है। कई बार आपने उन मीडिया रिपोर्ट्स पर गौर किया होगा जिनमें पूछा जाता है कि आजादी की लड़ाई लड़ते हुए जान देने वाले नायकों को वो आधिकारिक तौर पर शहीद मानते हैं कि नहीं। तब सरकार पशोपेश में पड़ जाती है, लेकिन अब एक अच्छी चीज हुई है, भारत में डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स बनाने का काम पूरा हो गया है। 7 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स के आखिरी खंड को लॉन्च किया। आसान भाषा में आज हम इसी डिक्शनरी के बारे में जानेंगे। डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स का मतलब है वो डिक्शनरी जिसमें शहीदों के नाम दर्ज हों। इसमें ब्रिटिश हुकूमत से भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले नायकों के नाम दर्ज हैं। इसे संजोने का काम किया है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने। इस डिक्शनरी में साल 1857 में हुए पहले विद्रोह से लेकर आजादी मिलने तक हुए शहीदों का ब्यौरा दर्ज है। क्या है डिक्शनरी में शहीद की परिभाषा? इस डिक्शनरी में मार्टर्स यानी शहीद शब्द का इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए किया गया है जो किसी एक्शन या हिरासत में मारे गए या देश की आजादी के लिए सूली पर चढ़ा दिए गए। इस डिक्शनरी में इंडियन नेशनल आर्मी और मिलिट्री में रहे लोगों का नाम भी है जो ब्रिटिश हुकूमत से लड़ते हुए शहीद हुए। इस डिक्शनरी में 1857 के संग्राम के अलावा 1919 में हुए जलियांवाला बाग असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के शहीदों को शामिल किया गया है। इनके अलावा 1915 से 34 तक चली क्रांतिकारी आंदोलनों के शहीदों को जगह दी गई है। ब्रिटिश हुकूमत में किसानों और आदिवासियों ने कई आंदोलन किए थे, इन्हें भी डिक्शनरी में शामिल किया गया है। कितने नाम है डिक्शनरी में? 5 खंडों में छपी इस डिक्शनरी में 13,500 शहीदों का ब्यौरा है। इन खंडों को इलाकों के हिसाब से बांटा गया है। पहले खंड के 2 हिस्से हैं। इसमें 4400 से ज्यादा शहीदों की जानकारी दर्ज की गई है। ये सभी शहीद दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल से थे। दूसरे हिस्से में 3500 शहीदों की जानकारी है। ये शहीद यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया है। तीसरे खंड में 1400 शहीदों की जानकारी है। ये सभी शहीद महाराष्ट्र, गुजरात और सिंध के रहने वाले थे। चौथे खंड में नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के 3300 शहीदों के ब्यौरे दर्ज हैं। पांचवें और आखिरी खंड में 1450 शहीदों का नाम दर्ज है। इसमें दक्षिण भारत के राज्यों को शामिल किया गया है। ये शहीद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के रहने वाले थे। कैसे बनाई गई ये डिक्शनरी? इस डिक्शनरी को बनाने के लिए ICHR की मदद की नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया और नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी ने। एक समाचार चैनल से बात करते हुए इस डिक्शनरी के कार्यकारी संपादक रजनीश शुक्ला ने बताया कि लोग शहीदों के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं थी। पहले 1857 से 1947 तक शहीद हुए करीब 14,000 शहीदों की पहचान की गई। इन सभी शहीदों को आजादी के लिए किया गया संघर्ष इस डिक्शनरी में दर्ज है। इसके लिए ग्राउंड पर जाकर चीजें जांची गई हैं। विचारधारा और राजनीतिक जुड़ाव को किनारे रखते हुए डिक्शनरी में शहीदों का नाम दर्ज किया गया है। सवाल यह है, कब शुरू हुआ था काम? काम शुरू हुआ था 2009 में। 1857 की लड़ाई की 150वीं सालगिरह पर संस्कृति मंत्रालय ने इस डिक्शनरी को बनाने का काम शुरू किया था। पहले 3 खंड 2011 से लेकर 2014 के बीच आए, बाकी 2 खंड मोदी राज में आए। इसमें दक्षिण और पूर्व के शहीदों के नाम हैं। पहले भी आई है इस तरह की डिक्शनरी। इस तरह का पहला प्रयोग 1969 में हुआ था। इसके बाद 1972 में और 1973 में 2 और खंड आए थे। इन 3 खंडों के संपादक रहे थे पीएन चोपड़ा। उस समय शहीद की परिभाषा थी वो देशभक्त जो आजादी की लड़ाई में मारे गए या जिन्हें फांसी की सजा मिली हो। भारत में कुछ एक किताबों में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उग्रवादी का दर्जा दिया गया था। इस पर भारी विवाद होता रहा। 2017 के आसपास अफवाह उड़ी कि भारत सरकार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीद नहीं मानती। सरकार ने इस बात से इनकार कर दिया, लेकिन स्थिति ज्यादा साफ नहीं हो पाई। आखिर में नवंबर 2018 के पहले हफ्ते में केंद्रीय सूचना आयोग ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर जानकारी चाही कि क्या भगत सिंह और साथियों को शहीद का दर्जा दिया जा सकता है, और अगर नहीं दिया जा सकता तो सरकार कारण दे कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। गृह मंत्रालय ने जवाब भी दिया, कहा कि गृह मंत्रालय ऐसी सूची नहीं रखता। मामला नेशनल आर्काइव्स को भेज दिया गया था। न्यूज 18 की वेबसाइट पर छपे एक रिपोर्ट में रजनीश शुक्ला के हवाले से कहा गया है कि नई 5 डिक्शनरीज में पीएन चोपड़ा की बनाई गई डिक्शनरी की तरह भगत सिंह के साथियों को शहीद माना गया है। इस डिक्शनरी में उग्रवादी और आतंकवादी जैसे शब्दों से परहेज किया गया है। भगत सिंह पर काफी रिसर्च कर चुके प्रोफेसर चमन लाल कहते हैं कि देश में रही सरकारों ने शहीदों के नाम का इस्तेमाल जनता को खुश करने के लिए किया है। भगत सिंह की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, वो जमींदारों से भी लड़ रहे थे।
ऐसे शहीदों के नाम पर अफवाह उड़ाकर सब अपने अपने फायदे देखते हैं। बहरहाल ये डिक्शनरी एक नायाब दस्तावेज है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। दिल्ली टॉप शो में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।